हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 की है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम टाइम को ऐड करवा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा डाटा है। यहाँ पर हमें 3:30 PM लिखा हुआ है, इसमें 7 मिनट ऐड करने हैं। तो अगर आप जनरल वे में जाएंगे, इस तरीके से इसको प्लस करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर 7 को अगर करेंगे तो ये 3:30 ही रह जाता है, ये 7 जो है ऐड नहीं करता है। तो इसको ऐड करने के लिए कैसे किया जाए, सबसे पहले तो इस पर बॉर्डर मैं लगा लेता हूँ। तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से शॉर्टकट की Alt+HBA। तो जैसे ही Alt+HBA प्रेस करेंगे तो ये बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इस पर भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर टाइम लिखता हूँ मैं और एंटर करके नीचे आता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक काम करना है हमको कि यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना है, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यही टाइम है ना, इसी को इसी के अंदर हमें ऐड करना है। तो प्लस का निशान लगा दीजिए, प्लस का निशान लगाते ही यहाँ पर टाइम फंक्शन को आप यूज कीजिए तो ये टाइम आपको मिल जाता है। ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, यानी स्मॉल ब्रैकेट को आप कर लीजिए ओपन। इसके बाद पहला जो यहाँ पे क्राइटेरिया है ये बोल रहा है कि यहाँ पे आवर चाहिए, तो आवर हमें 0 चाहिए, यहाँ पे 0 ही आपको रखना है, कॉमा लगाना है। और अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो मिनट है इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद है सेकेंड, तो सेकेंड भी हमें 0 ही रखना है, मिनट ही हमें लेना है ना। तो बस हो गया, एंटर कर दीजिए, आपका आ गया 3:30, ठीक है। ये बहुत आसान है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इस तरीके से ऐड करना हो एक्सेल में तो आप आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।